हेलो पीपल अ वेरी वाम वेलकम टू कंसाइज क्लासेज सो स्टूडेंट आज आपका लेक्चर ट्वेंटी एट है एंड इन टूडेज सेशन वील डिस्कस अबाउट दैट वर्सेज विच हुज एंड वॉट आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज विद दिस सेशन आपका रिलेटिव प्रोनाउन पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपकी एक वीडियो और आएगी जहाँ वील डिस्कस अबाउट इंटरॉग्रटिव प्रोनाउन राइट right, पीपल तो आइए स्टार्ट करते हैं सो स्टूडेंट प्रीवियसली मैंने आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कौन सी नाउन जो उसके एंटीसीडेंट है जो उसके पहले आ रही है ठीक है तो ऐसी प्रोनाउन जो अपने एंटीसीडेंट नाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास फाइव मेजर रिलेटिव प्रोनाउंस हैं हु हुम ज दैट एंड विच एंड टूडे वील डिस्कस अबाउट हुज दैट विच राइट पीपल प्रीवियसली आई टोल्ड यू की हु और हु हम पीपल के लिए यूज करते हैं हु हम कब यूज करेंगे वैन वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट और हुम हम कब यूज़ करेंगे वैन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट राइट पीपल नेक्स्ट आपको पॉइंट क्या दिमाग में रखना है दैट हु एंड दैट कैन बी यूज इंटरचेंजेबली कहने का चेंज है कि आप हु की जगह सेंटेंस में दैट भी यूज़ कर सकते हैं क्यों बिकॉज दैट भी स्टूडेंट पीपल के लिए यूज़ होता है दैट आपका पीपल के लिए थिंग्स के लिए ग्रुप्स एनिमल्स के लिए यूज़ होता है लेकिन दैट आपका पीपल के लिए भी यूज होता है हु भी आपका पीपल के लिए यूज़ होता है तो ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं लेकिन वॉट आर दोज कंडीशंस जहाँ पर हम हु की जगह दैट यूज नहीं करेंगे पहले हम उस बारे में बात करेंगे देखिए आप उससे पहले ये सेंटेंस देखिए दिस इज द बॉय हु दैट वर्कस हार्ड अब यहाँ पर स्टूडेंट हम हु यूज कर सकते हैं हम दैट भी यूज कर सकते हैं वाई बिकॉज इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है बॉय ठीक है और बॉय के बारे में इस क्लॉज में एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है हु वर्क्स हार्ड और ये कैसी इंफॉर्मेशन है ये स्टूडेंट अजेंशियल इंफॉर्मेशन है आई नो आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये आप क्या बोल रहे हैं सो so, अब हम आपसे बात करते हैं देखिए मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था क्लॉज के बारे में आई टोल्ड यू क्लॉज आपके टू टाइप के होते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट ठीक है इंडिपेंडेंट वो क्लॉज होता है जो अकेले स्टैंड कर सकता है और इसे किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती है ठीक है वेर एज जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है इट कैन नॉट स्टैंड अलोन दस इट नीड्स एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज ठीक है वो अकेले कंप्लीट नहीं कर सकता है अपने सेंस को दैट इज़ वाई उसे प्रिंसिपल क्लॉज की ज़रूरत होती है उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं और डिपेंडेंट आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है ओके okay, हमें मतलब है स्टूडेंट डिपेंडेंट क्लॉज से देखिए जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है स्टूडेंट वो आपका तीन टाइप का होता है कौन सा पहला है आपका नाउन क्लॉज दूसरा है आपका एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा है आपका एडवर्ब क्लॉज ठीक है डरना मत बिल्कुल भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन अभी हम स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर कर रहे हैं और हमें काम एडजेक्टिव क्लॉज से है ठीक है जब आपकी एक बार पूरी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनफैक्ट उनसे पहले ही मैं आपकी कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूँगी स्पेशली जब हम कंजंक्शंस की बात करेंगे ठीक है ना सो so, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है इन्हें देख के डरना मत इतनी डिफिकल्ट नहीं है बहुत आसान है इनका सेम काम होता है जो नाउन करती है एडजेक्टिव करता है और एडवर्ब करती है बस पर सिर्फ इतना है कि सिर्फ एक वर्ड की जगह वहाँ पूरा एक क्लॉज निकल कर आता है जिसके पास अपनी सब्जेक्ट और वर्ब प्रेजेंट होती है ठीक है अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में क्योंकि मैं आपको एक ग्लैंस uh, देती चल रही हूँ सो दैट आपकी जो समझ है ग्रामर को लेके वो थोड़ी इंक्रीज हो ठीक है ना सो so, आपके एडजेक्टिव क्लॉज बेसिकली दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट अजेंशियल ओके और दूसरा है आपका नॉन अजेंशियल ओके एडजेक्टिव क्लॉज आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज है और अजेंशियल और नॉन अजेंशियल क्लॉज भी आपके डिपेंडेंट है बिकॉज एडजेक्टिव के टाइप है आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि अजेंशियल और नॉन अजेंशियल आपके डिपेंडेंट क्लॉज हैं और किस में आते हैं ये आते हैं आपके एडजेक्टिव क्लॉज में राइट right. अब अजेंशियल क्लॉज स्टूडेंट होता क्या है वो क्लॉज जो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर उस इन्फॉर्मेशन को सेंटेंस में से हटा दिया जाए तो सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलेगा ठीक है अजेंशियल क्लॉज वो क्लॉज है जो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है राइट right? और आप ऐसी इन्फॉर्मेशन को नहीं हटा सकते हो आप इसे डिफाइनिंग क्लॉज भी कहते हो या फिर आप इसे रिलेटिव डिफाइनिंग क्लॉज भी कहते हो कहने का मतलब है कि ये जो अजेंशियल इंफॉर्मेशन है जो ये अजेंशियल क्लॉज है स्टूडेंट ये अपने एंटीसीडेंट नाउन के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो आप सेंटेंस में से नहीं हटा सकते हो ठीक है नेक्स्ट वी हैव नॉन अजेंशियल क्लॉज नॉन अजेंशियल क्लॉज स्टूडेंट एक ऐसा क्लॉज होता है कि अगर आप इसे सेंटेंस में से रिमूव भी कर दो तो सेंटेंस का सेंस ख़त्म नहीं होगा सेंटेंस का मीनिंग ख़त्म नहीं होगा और इसे आप रिलेटिव नॉन डिफाइनिंग क्लॉज भी कहते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या दिमाग में रखना है कि व्हेन एवर नॉन अजेंशियल क्लॉज आपके सेंटेंस में इंट्रोड्यूस होंगे तो आपको कॉमा देखने को मिलेगा लेकिन अजेंशियल क्लॉज में ऐसा नहीं है ठीक है सो so, ये तो है आपके क्लॉज सो so, आपको क्या दिमाग में रखना है जो आपका हु है स्टूडेंट वो आपका डिफाइनिंग क्लॉज में भी आ जाता है और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में भी आ जाता है ठीक है विच और दैट भी इंटरचेंजेबल है ठीक है फर्क क्या है कि विच आपका नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में भी आता है डिफाइनिंग क्लॉज में भी आता है लेकिन जो दैट है वो हमेशा आपका डिफाइनिंग क्लॉज में आएगा अगर आप कोई ऐसा क्लॉज देख रहे हैं जो अपने एंटीसीडेंट नाउन के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जो इम्पोर्टेंट नहीं है तब आप वहाँ पर दैट यूज़ नहीं करेंगे राइट right? और सबसे बड़ी पहचान क्या होगी कि वहाँ पर कॉमा इंट्रोड्यूस हो जाएगा ठीक है लेकिन कॉमा इंट्रोड्यूस हो जाएगा इस ये आप कोई पहचान के लिए मत बना लेना आपको खुद समझ में आना चाहिए कि वो अजेंशियल क्लॉज है या फिर नॉन अजेंशियल क्लॉज जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ एक सेंटेंस देखा सेक आपने ये सेंटेंस देखा दैट ओ दिस इज द बॉय हु दैट वर्क्स हार्ड ठीक है दिस इज द बॉय अब यहां पर स्टूडेंट आपका एंटीसीडेंट नाउन क्या है बॉय ठीक है बॉय के लिए कहा जा रहा है हु दैट्स वर्क हार्ड ठीक है तो ये कौन सा क्लॉज है स्टूडेंट ये आपका अजेंशियल क्लॉज है जो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जिसे अगर आप रिमूव कर देंगे तो कंप्लीट सेंस नहीं मिलेगा सो दिस इज द बॉय लेकिन दिस इज द बॉय वॉट ठीक है ना हु दैट वर्कस हार्ड तो ये आपका एक अजेंशियल क्लॉज है एंड दैट इज़ वाई आप यहाँ पर हु यूज़ कर सकते हैं दैट भी यूज़ कर सकते हैं सेकेंड पॉइंट यहाँ पर किसी कॉमा का भी इंट्रोडक्शन नहीं है ठीक है ये मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि अगर कॉमा आप देखते हैं और वहाँ पर कोई ऐसा क्लॉज इंट्रोड्यूज़ है जो इतना अजेंशियल आपको नहीं लग रहा है जो आपको एक एडिड इन्फॉर्मेशन दे रहा है और उसको हटाने के बाद भी सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदल रहा है तो स्टूडेंट आप वहाँ पर हु यूज़ करेंगे या फिर विच यूज़ करेंगे थिंग्स के लिए हु यूज़ करेंगे पीपल के लिए लेकिन दैट स्टूडेंट आप किसी भी हाल में वहाँ यूज़ नहीं करेंगे ठीक है नेक्स्ट सेंटेंस देखिए द मैन हु दैट इज़ ऑनेस्ट इज़ ट्रस्टेड द मैन हु हु दैट इज़ ऑनेस्ट इज़ ट्रस्टेड अब यहाँ पर स्टूडेंट मैन के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है हु इज़ ऑनेस्ट ठीक है द मैन हु इज़ ऑनेस्ट ये आपका क्या है आपका एक अजेंशियल क्लॉज है कैसे पता लगा इसके पास अपना एक सब्जेक्ट है और अपना एक वर्ब है ठीक है सब्जेक्ट है और वर्ब है दैट इज़ वाई स्टूडेंट ये आपका एक क्लॉज है द मैन हु दैट इज़ ऑनेस्ट इज़ ट्रस्टेड अगर मैं इसको सेंटेंस में से हटा दूं और फिर मैं बोलूं द मैन इज़ ट्रस्टेड तो आप देखेंगे कि इस सेंटेंस की इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी हो जाएगी हमें कैसे व्यक्ति पर ट्रस्ट करना चाहिए कैसे व्यक्ति पर हमें भरोसा भरोसा करना चाहिए हमें वो क्लियर नहीं होगा दैट इज़ वाई स्टूडेंट हम यहाँ पर एक अजेंशियल क्लॉज की बात कर रहे हैं एक डिफाइनिंग क्लॉज की बात कर रहे हैं जो हमें मैन के बारे में बता रहा है ये आपकी रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुई है जो ये बता रहा है द मैन हु इज़ ऑनेस्ट या फिर द मैन दैट इज़ ऑनेस्ट इज़ ट्रस्टेड तो आप यहाँ पर दैट भी यूज कर सकते हैं और हु यूज कर सकते हैं ठीक है अब हम एग्जाम्पल देखते हैं एक नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के बारे में देखिए आप एक सेंटेंस लीजिए माय फादर हु इज फिफ्टी ईयर ओल्ड इज अ डॉक्टर ठीक है माई फादर हु इज़ फिफ्टी ओल्ड डॉक्टर अब आप यहाँ पे ईयर्स मत कर देना बिकॉज कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं फिफ्टी ईयर्स ओल्ड कर देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट यहाँ पे वाई ऐसा नहीं है उसका रीज़न ये है क्योंकि ओल्ड आपका एक नाउन है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है एक एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव आर नेवर प्लूरल एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं अगर यहाँ पर आपका uh, होता माई फादर हु इज फिफ्टी ईयर तो आगे अगर कुछ भी नहीं होता तो ये आपका एक एडजेक्टिव बन जाता और ये आपका एक नाउन बन जाता और तब आप इसके आगे एस लगाते लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट ईयो आपका एक एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है एंड एडजैक्टिव स्टूडेंट आपके कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं राइट स्टूडेंट सो My father who is फिफ्टी year old is a doctor. मेरे फादर जो पचास साल के हैं वो एक डॉक्टर है और आपने देखा यहाँ पर कॉमा इंट्रोड्यूस है ठीक है सो so, यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम इस क्लॉज को देखिए हु आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है राइट right? किस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है फ़ादर के बारे में माई फादर कैसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है नॉन एजेंशल इन्फॉर्मेशन है हम अगर इसको हटा दें तो हम हाँ क्या सेंटेंस निकलेगा माई फादर इज़ अ डॉक्टर ठीक है यहाँ पर जो हमने ये इंफॉर्मेशन ऐड करी है ये आपकी एक एडेड इन्फॉर्मेशन है एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो अगर हम इसे यहाँ से हटा भी देते हैं तो सेंटेंस के मीनिंग पर फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें मतलब किससे है माई फादर इज़ अ डॉक्टर ठीक है माय फादर इज़ अ डॉक्टर और यहाँ पर अगर आपको सेंटेंस से मिल रहा है माय फादर दैट इज़ फिफ्टी ओल्ड तो स्टूडेंट ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा बिकॉज दैट हम कभी भी नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में या फिर नॉन अजेंशियल क्लॉज में नहीं यूज़ कर सकते हैं ठीक है डिफाइनिंग कैसा क्लॉज जो अपने एंटीसीडेंट नाउन के बारे में कोई अजेंशियल बात बोल रहा है या फिर नॉन डिफाइनिंग जो अपने एंटीसीडेंट नाउन के बारे में कोई अजेंशियल बात कह रहा है ठीक है ना सो so, अगर वो कोई अजेंशियल बात कर रहा है या फिर अजेंशियल क्लॉज है तब तो आप दैट यूज़ कर सकते हैं हु यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आपका सेंटेंस नॉन अजेंशियल है ठीक है अगर आपका क्लॉज नॉट सेंटेंस अगर आपका क्लॉज जो इसमें यूज हुआ है वो नॉन अजेंशियल है तब आप स्टूडेंट दैट नहीं यूज करेंगे बिकॉज अगर आप इसे हटा भी देंगे कि माय फादर हु इज फिफ्टी ईयर ओल्ड में से हु इज फिफ्टी ईयर ओल्ड को अगर आप रिमूव भी कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा माय फादर इज़ अ डॉक्टर ठीक है तो भी ये सेंटेंस आपको एक कंप्लीट मीनिंग देगा राइट right पीपल लेकिन जो ये सेंटेंस था दिस इज द बॉय हु दैट वर्क्स हार्ड अगर हम यहाँ से ये अजेंशियल क्लॉज हटा दें ठीक है ये कैसा क्लॉज है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है ठीक है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है दिस इज द बॉय हु दैट वर्क्स हार्ड ठीक है बेसिकली स्टूडेंट इसे एडजेक्टिव क्लॉज आप समझो कहाँ क्यों गया है बिकॉज क्लॉज की मदद से उसकी हमें क्वालिटी बता रहे हैं कि ये वो लड़का है जो मेहनत से काम करता है दैट इज वाई ये एक एडजेक्टिव uh, का काम कर रहा है और इसे हम एडजेक्टिव uh, क्लॉज कहते हैं ठीक है और एडजेक्टिव क्लॉज में भी ये कौन सा क्लॉज है ये आपका एक अजेंशियल क्लॉज है जो अजेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहा है और अगर हम इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से हटा देंगे तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है राइट दीज आर द बॉयज़ हु दैट वर्कआउट ये भी सेम है बस फर्क इतना है यहाँ पर हम काफ़ी सारे बॉयज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको ये बताया गया है कि चाहे नाउन आपकी सिंगुलर हो चाहे नाउन आपकी प्लूरल हो आप हु और दैट सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल नाउन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं राइट नेक्स्ट देखिए वॉज इट मागरीटे हु दैट ऑर्गेनाइज द सरप्राइज पार्टी फॉर जौहान देखिए यहाँ पर हम हु दैट डोनो यूज़ कर सकते हैं वाई हु दैट ऑर्गेनाइज द सरप्राइज़ पार्टी ठीक है सो so, अगर हम इस क्लॉज को ठीक है वैसे तो क्लॉज में क्या है मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट होती है और ऑर्गेनाइज वर्ब ठीक है इसके पास अपनी एक वर्ब है अगर मैं इसमें से ये पूरा क्लॉज हटा दूँ अगर मैं इसमें से ये पूरा क्लॉज हटा दूँ तो क्या सेंटेंस का मीनिंग बदल नहीं जाएगा आप खुद सोचिए सेंटेंस आपको वॉज इट माग्रीट कंप्लीट कम्प्लीट इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है अगर मैं ये क्लॉज पूरा हटा दूँ हु दैट ऑर्गेनाइज द सरप्राइज पार्टी फॉर जोहान। अगर मैं ये पूरा सेंटेंस हटा दूँ नो दैट इज़ वाई आपका ये एक अजेंशियल क्लॉज है और इसी वजह से अजेंशियल क्लॉज अगर सेंटेंस में से हटा दिए जाते हैं तो आपको जो एंटीसीडेंट नाउन है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट नहीं मिलती है सिमिलरली देखिए केपलर इज द साइंटिस्ट हु दैट प्रपोज द लॉज ऑफ़ प्लानट्री मोशन कि केपलर वो साइंटिस्ट है जिसने प्रपोज करे हैं जिसने लाए हैं लॉज ऑफ प्लानट्री मोशन अब यहाँ पे स्टूडेंट ये पूरा क्लॉज ठीक है ये पूरा क्लॉज कैसा है आपका एक अजेंशियल क्लॉज है केपलर इज़ द साइंटिस्ट ठीक है और अगर मैं इसे हटा दूँ तो ये असेंशियल इन्फॉर्मेशन के बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन में कमी नज़र आएगी राइट right? और ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो असेंशियल ना हो सो केपलर इज़ द साइंटिस्ट और हम ये कह रहे हैं जो आपकी इसके आगे नाउ न्यूज़ हुई है कि केपलर इज़ द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड द लॉज ऑफ़ प्लानिट्री मोशन सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि अजेंशियल क्लॉज हम तभी यूज़ करते हैं जब हम किसी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हैं और अगर हम उस अजेंशियल इन्फॉर्मेशन को हटा दें ठीक है तो सेंटेंस का मीनिंग स्टूडेंट बदल जाएगा सेंटेंस का मीनिंग आधा हो जाएगा ठीक है ना लेकिन जो नॉन अजेंशियल क्लॉज है उसे हम सेंटेंस में से हटा सकते हैं जो एडेड इन्फॉर्मेसन है ठीक है जो एडेड इंफॉर्मेशन है उसे हम हटा सकते हैं ये यहाँ पे कोई एडेड इन्फॉर्मेशन नहीं है ये एक अजेंशियल इंफॉर्मेशन है कि केपलर ही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने लॉज ऑफ प्लानटरी मोशन दिए अगर हम ये कहते कि केपलर वो साइंटिस्ट है जो इतने साल के थे जब उन्होंने तो जो इतने साल के थे या फिर हु वॉज फिफ्टी ईयर्स ओल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेन ही गेव द लॉज ऑफ प्लानट्री मोशन तो उस समय हम वहाँ पर दैट यूज़ ना करते हम सिर्फ हु यूज़ करते बिकॉज़ वो एक एडिड इन्फॉर्मेशन है जो हमारा मेन मुद्दा है वो तो ये है ना कि ही प्रपोज द लॉज ऑफ़ प्लानिट्री मोशन बिकॉज़ ये क्लॉज आपको एक अजेंशियल इन्फॉमेशन दे रहा है तो इसे आप सेंटेंस में से नहीं हटा सकते हैं तो यही एक बेसिक डिफरेंस है स्टूडेंट आप लोगों ने ये तो पढ़ा है कि हु और दैट हम इंटरचेंजबली यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपको कहीं भी ये नहीं बताया जाता है कि कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जहाँ पर आप दैट यूज़ नहीं करेंगे ठीक है या फिर किस तरह से डिफाइनिंग क्लॉज काम करता है किस तरह से नॉन डिफाइनिंग क्लॉज काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या है अपने नाउन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दें राइट right? तो ये क्लॉज की मदद से एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है ठीक है ना और ये जितने भी क्लॉज हैं स्टूडेंट ये सब आपके एडजेक्टिव क्लॉज हैं वाई बिकॉज ये नाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं और नाउन के बारे में हमेशा क्या बताता है एडजेक्टिव बताता है ना एडजेक्टिव ही क्वालिफाई करता है ना एडजेक्टिव आपका नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है राइट right? वर्ब आपका नाउन प्रोनाउन का एक्शन बताता है और जो आपका एडवर्ब है वो आपका एडजेक्टिव को क्वालिफ़ाई करेगा वर्ब को क्वालिफाई करेगा या दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा ठीक है सो बेसिकली आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ कि एडजेक्टिव क्लॉज कुछ डिफरेंट नहीं है बस फर्क इतना है कि क्वालिटी बताने का काम कोई एक वर्ड ना करके पूरा एक क्लॉज कर देता है जिसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट दैट विच हुज देखिए जो आपका दैट और विच है एज आई टोल्ड यू कि ये interchangeable है ठीक है फ़र्क सिर्फ यही है कि विच आपका नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में भी डिफाइनिंग क्लॉज में भी यूज़ होता है लेकिन जो आपका दैट है ये हमेशा आपका डिफाइनिंग क्लॉज में यूज़ होता है और जो आपका हुज ए स्टूडेंट ये आपका ऑब्जेक्ट सॉरी uh, ये आपका पोजैसिव केस में यूज़ होता है ठीक है पुजैसिव केस या फिर मैंने आपको बताया है जेनेटिव केस ठीक है या तो आप इसे पोजेसिव केस में यूज़ करेंगे या तो आप इसे जेनेटिव केस में अब आप सेंटेंस की मदद से समझिए ही प्लेज द गेम विच दैट ही लाइक्स बेस्ट अब ये जो क्लॉज है स्टूडेंट ये आपको एक असेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहा है एक असेंशियल क्लॉज है कि ये वो गेम खेलता है जो इसे सबसे ज़्यादा पसंद है ठीक है ये वो गेम खेलता है ही प्लेज द गेम विच दैट ही लाइक्स बेस्ट जो इसे सबसे ज़्यादा पसंद है दैट इज़ वाई स्टूडेंट आप यहाँ पर विच और दैट दोनों यूज़ कर सकते हैं अगर यहाँ पे कोई नॉन अजेंशियल क्लॉज होता तो पहली बात कॉमा इंट्रोड्यूस होता और आप वहाँ पर दैट ना यूज़ करते ठीक है द फार्मर इज़ कटिंग द कॉर्न विच दैट हैज़ राइपन फार्मर वो कॉन कट कर रहा है जो पक चुका है जो राइप हो चुका है सो so, आप विच और दैट का यूज़ करेंगे यू हैव नॉट ब्रॉड द बुक दैट विच आई आस्ट फॉर तुम वो बुक नहीं लाए हो जिसके बारे में मैंने पूछा है ठीक है हम बुक की बात कर रहे हैं ना तो ये आपका ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है थिंग्स के लिए यूज़ होता है दैट और विच और एनिमल के लिए यूज़ होता है यहाँ पर भी एक थिंग है यहाँ पर भी एक थिंग है ठीक है ना तो इसके लिए हम दैट विच यूज़ करेंगे ठीक है हुम तो यूज करेंगे नहीं हुज भी नहीं यूज करेंगे बिकॉज हम यहाँ पर किसी भी पोजेसिव केस की बात नहीं कर रहे हैं कि यू हैव नॉट ब्रॉड द बुक दैट विच आई आस्ट फॉर ठीक है ना सो so, आप यहाँ पे दैट भी यूज कर सकते हैं विच भी बिकॉज ये पूरा क्लॉज स्टूडेंट आपका एक अजेंशियल क्लॉज है नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट द बुक हुज टाइटल इज पीस सो so, अब आता है आपका हुज का काम जो मैंने आपको बताया कि हुज़ आपका पुजेसन के लिए यूज़ होता है कि वो बुक जिसका टाइटल पीस है हुज़ टाइटल पीस आप ये नहीं कहेंगे विच टाइटल पीस क्योंकि विच आपका पोजेशन के लिए काम नहीं करता है सिंगल विच नहीं करेगा आप या तो बोलेंगे ऑफ विच ठीक है या फिर उसकी जगह यूज़ करेंगे हुज़ देखिए होूज स्टूडेंट आपका पोजेशन के लिए ऑब जो है पीपल के लिए भी यूज़ हो सकता है और आपका हुज़ थिंग्स के लिए भी यूज़ हो सकता है ठीक है लेकिन थिंग्स में आप हुज की जगह ऑफ विच भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन पीपल में ठीक है जब हम लोगों की बात करेंगे तो अगर वहाँ पर हमें पोजेसन की बात करनी है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम सिर्फ हुज़ यूज़ करेंगे सो so यहाँ पर तो हम एक बुक की बात कर रहे हैं एक नॉन लिविंग थिंग है एक थिंग है सो द बुक Whose title टाइटल piece? जिसका टाइटल पीस है ठीक है ना तो इस बुक के टाइटल के बारे में बात कर रहे हैं एक बुक के टाइटल के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम whose यूज़ करेंगे अगर आपको इसको लिखना है ऑफ विच से तो देखिए क्या डिफरेंस होगा द बुक द टाइटल ऑफ विच पीस अब यहाँ पर स्टूडेंट जो दो जो टाइटल आ गया है ठीक है ना ये जो टाइटल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है जिसके बारे में हम कह रहे हैं द टाइटल ऑफ विच इज़ पीस टाइटल क्या है नाउन तो हमने इसके आगे एक डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर लिया है तो जब भी आप ऑफ विच का यूज़ करेंगे तो जिस नाउन को आप डिफाइन कर रहे हैं उसके आगे हमेशा आर्टिकल होना ज़रूरी है द बुक द टाइटल ऑफ विच इज़ पीस ठीक है ना अ ट्राएंगल हु थ्री साइड्स आर कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राएंगल एक ट्राएंगल जिसकी तीन साइड्स इक्वल होती हैं वो कहलाता है इक्विलेटरल ट्राएंगल जिसकी तीन साइड्स हुज थ्री साइड्स ठीक है पोजेशन की बात हो रही है कि इस ट्राएंगल की थ्री साइड्स सो दैट इज वाई हम यहाँ पर हुज यूज़ करेंगे अ ट्राएंगल ऑफ विच थ्री साइड्स आर इक्वल इस कॉल्ड एन इक्वीलेटरल ट्राइंगल ऑफ विच थ्री साइड्स आर इक्वल तो अब हमने यहां पर ऑफ विच इंट्रोड्यूस करा पीपल ओके okay. लेकिन यहां पर एक मिस्टेक है आप यहां पर क्या यूज करेंगे आई अ ट्राइंगल ऑफ विच द थ्री साइड्स आर इक्वल बिकॉज आप जब भी ऑफ विच इंट्रोड्यूस करेंगे सेंटेंस में तो जिसके लिए यूज कर रहे हैं आप उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे सो अ ट्रायंगल ऑफ विच द थ्री साइड्स आर इक्वल आप इन दो सेंटेंसेस को ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे द बुक द टाइटल ऑफ विच इज पीस आप लिख सकते हैं द बुक ऑफ विच द टाइटल इज पीस ठीक है ना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द बुक ऑफ विच द टाइटल इज पीस ओके या फिर आप इसको द बुक द टाइटल ऑफ विच इज पीस ऐसे भी लिख सकते हैं सिमिलरली ये जो सेंटेंस है अ ट्राएंगल ऑफ विच द थ्री साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेट्रल ट्राएंगल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अ ट्रा द थ्री साइड्स ऑफ विच आर इक्वल इज कॉल्ड एन एकविलेट्रल ट्राएंगल ठीक है ना आप ऑफ विच पहले भी लगा सकते हैं बाद में भी लगा सकते हैं लेकिन जो नाउन है ठीक है ना जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट उसके आगे द आर्टिकल आना जरूरी है जब हम ऑफ विच को इंट्रोड्यूस कर देंगे सेंटेंस में राइट पीपल नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट प्लेसेस टाइम्स और रीजन के लिए हम वेयर व्हेन व्हाई और इनकी जगह दैट यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में ठीक है आपकी वैसे जो मेजर प्रोनाउंस है वो वही हैं लेकिन ये जो वर्ड्स हैं स्टूडेंट इन्हें भी हम एज रेलेटिव प्रोनाउन जब यूज़ करते हैं तो ये रेलेटिव प्रोनाउन ही कहलाते हैं ठीक है ना सो so, पहला सेंटेंस देखिए आई रिमेंबर द डे व्हेन ही केम मुझे वो दिन याद है जिस दिन वो आया था व्हेन ही केम ठीक है या फिर आप इसकी जगह दैट भी यूज़ कर सकते हैं आई रिमेंबर द डे दैट ही केम या फिर आई रिमेंबर द डे वैन ही केम लेकिन ये थोड़ा स्टूडेंट इनफॉर्मल इंग्लिश की बात हो जाती है ठीक है बिकॉज़ मैं आपको थोड़े रूल्स स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड भी बताती चलती हूँ सो so, अगर आप इनफॉर्मली बात करेंगे अगर आप स्पोकन इंग्लिश की बात करें एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप यहाँ पर वेन और दैट का यूज़ कर सकते हैं लेकिन फॉर्मल की अगर हम बात करें तब क्या होगा आई रिमेंबर द डे ऑन विच ही केम आई रिमेंबर द डे ऑन विच ही केम ठीक है ना तो जो आपका विच है स्टूडेंट वो प्रेपोजिशन के साथ यूज़ होगा ठीक है नेक्स्ट सेंटेंस देखिए द लाइब्रेरी वेयर वी मेट द लाइब्रेरी जहाँ हम मिले थे तो आप यहाँ पर दैट भी यूज कर सकते हैं बट अगैन इनफॉर्मल इंग्लिश है ठीक है, है? लिखने को लिख सकते हैं करेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए द लाइब्रेरी एट विच वी मेट तो गलत नहीं है ठीक है ये भी करेक्ट है द रीज़न वाई आई वॉज़ एट द लाइब्रेरी द रीज़न वाई जिस वजह से मैं लाइब्रेरी में था आप दैट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर द रीज़न फॉर विच आई वॉज़ एट द लाइब्रेरी लेकिन जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है अगर हम फॉर्मल इंग्लिश की बात करें वेन वी आर राइटिंग समथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स आप सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करें ठीक है ना वैसे तो फिर आपके एग्जाम पर डिपेंड करता है कि क्या आता है बट वो रॉन्ग नहीं है ठीक है सेंटेंसेस सारे करेक्ट हैं बट आई एम टेलिंग यू कि इनफॉर्मल इंग्लिश में बोलते टाइम आप लोग जनरली क्या करते हो और लिखते टाइम आपको क्या करना चाहिए ठीक है तो ये रूल भी स्टूडेंट आप दिमाग में रखें नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट द मैन हु लेट मी द बुक वॉज द ऑथर हिमसेल्फ अब यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए अगैन द मैन हु लेट मी दुक वॉज द ऑथर हिमसेल्फ हु दैट यू मे हैव हर्ड ऑफ देखिए ये आपका अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है द मैन हु लेंट मी द बुक वॉज द ऑथर हिमसेल्फ ये आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है ठीक है जो आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो आदमी जिसने मुझे बुक लेंट करी थी वो खुद ही उस बुक का ऑथर था ठीक है अब आपने यहाँ पे एडिशनल इन्फो दी कि हु दैट यू मे हैव हर्ड ऑफ जिसके बारे में शायद तुमने सुना हो ठीक है अब एडिशनल इंफॉर्मेशन है कॉमा इंट्रोड्यूस हुआ है तो दैट हम नहीं यूज करेंगे नेक्स्ट देखिए द बुक विच आई बोरोड विच दैट यू मे हैव रीड इज एंटाइटल्ड पीस द बुक विच आई बोरोड पहला सेंटेंस बिल्कुल गलत है वो बिल्कुल सही है द बुक विच आई बोरोड जो मैंने बोरो करी ठीक है सो ये आपका एक अजेंशियल क्लॉज है द बुक ई बोरोड सो दैट इज़ वाई यहाँ पर विच सही है या फिर आप यहाँ पर दैट भी यूज़ कर सकते थे द बुक दैट आई बोर उड ठीक है लेकिन ये आई आपकी नॉन अजेंशियल इन्फॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन विच दैट यू मे हैव रेड जो शायद तुमने पढ़ी हो तो यहाँ पर आप दैट यूज़ नहीं करेंगे ठीक है वाई अगर मैं इस सेंटेंस को हटा दूँ तो आपका पूरा सेंटेंस बनेगा द बुक विच आई बोरोड इज़ एंटाइटल्ड पीस तो ये पूरा क्लॉज स्टूडेंट कंप्लीट हो गया कि वो बुक जो मैंने बोरो करी है उसका टाइटल क्या है उसको जो टाइटल मिला है वो है पीस ठीक है ना और अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पर एडिशनल इन्फो डाल रही हूँ तो मैं दैट का यूज़ नहीं करूँगी आई विल यूज़ विच द बुक विच आई बोरोड विच यू मे हैव रेड इज एन टाइटल पीस ठीक है ना नेक्स्ट देखिए आई हैव एन अंकल हु दैट वर्क्स फॉर एप्पल मेरे जो अंकल हैं वो एप्पल के लिए काम करते हैं तो अजेंशियल इन्फॉर्मेशन है हु वर्क्स फॉर एप्पल ठीक है अंकल के बारे में एक अजेंशियल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है सो दैट इज़ वाई इस सेंटेंस में आप हु और दैट दोनों यूज कर सकते हैं द समवन हु दैट इज़ वेटिंग फोर यू वहां कोई है जो तुम्हारे लिए वेट कर रहा है दैस There, सम तो यहाँ हम उस सम की बात कर रहे हैं ठीक है हु दैट इज़ वेटिंग फोर यू तो ये आपका एक अजेंशियल क्लॉज है अगर मैं बोलूँ दैसमन और हु दैट इज़ वेटिंग फॉर यू को मैं हटा दूँ तो आप देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट हो जाएगी ठीक है द सम वन हु दैट इज़ वेटिंग फोर यू ये आपका एक अजेंशियल क्लॉज है दैट इज़ वाई स्टूडेंट हम यहाँ हु भी यूज़ कर सकते हैं और दैट भी यूज़ हम कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट कुछ और रूल्स के बारे में कि दैट आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ठीक है जो सुपर लेटिव डिग्री है वेन एवर यू सी अपर लेटिव डिग्री ओके अगर आपको वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करनी है यू विल यूज़ दैट जैसे ही वॉज़ द मोस्ट एलोकुन स्पीकर दैट आई एवर हर्ड ठीक है ही वॉज द मोस्ट लोकविन स्पीकर कि वो एक ऐसा स्पीकर है जो अपनी बात को बहुत स्पष्ट तरह से रखता है ठीक है सो so, आप यहाँ पर देखेंगे द मोस्ट ठीक है ये आपका एक सुपरलेटिव डिग्री है दैट इज़ वाई यहाँ पर स्टूडेंट आपका हो नहीं आएगा आपका बस दैट आएगा ठीक है ना सुपरलेटिव डिग्री है तो आपका दैट आएगा चाहे फिर आप वहाँ डिफाइनिंग क्लॉज देखें या फिर नॉन डिफाइनिंग क्लॉज देखें ओके नेक्स्ट देखिए दिस इज़ द बेस्ट वी कैन डू दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू ठीक है ना दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू तो स्टूडेंट द बेस्ट के साथ आपका क्या यूज़ होगा दैट यूज़ होगा ठीक है विच यूज़ नहीं होगा दिस इज़ द बेस्ट विच वी कैन डू नहीं बोलेंगे दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू ओके नेक्स्ट देखिए आफ्टर ऑल सम एनी नथिंग द ओनली अगर आपको ऑल सेम एनी नथिंग द ओनली इस तरह के वर्ड्स आपको सेंटेंस में दिखते हैं तब आप दैट का यूज़ करेंगे जैसे ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स ठीक है ऑल इज़ नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स अब यहाँ पर आपका ऑल यूज़ हुआ है आप ये नहीं बोलेंगे ऑल इज़ नॉट गोल्ड विच ग्लिटर्स आप बोलेंगे ऑल इज़ नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स बिकॉज आपका वर्ड आया ऑल ठीक है इट इज द ओनली डंकी दैट ब्रे इट इज द ओनली डंकी दैट ब्रे यही एकमात्र ऐसा डोंकी है जो ब्रे करता है ठीक है सो so, यहां पर स्टूडेंट आप ओनली को देख के क्या यूज करेंगे दैट यूज करेंगे यू वोंट यूज विच ठीक है हु तो नहीं आएगा विच बिकॉज एनिमल है ठीक है ना? और एनिमल के लिए हम वैसे भी दैट यूज़ करते हैं लेकिन प्रेफरेंस हम विच को भी देते हैं लेकिन आप विच को प्रेफरेंस नहीं देंगे अगर ओनली यूज हुआ है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या यूज़ करेंगे आप दैट यूज़ करेंगे ओके नेक्स्ट देखिए द बॉय एंड हिज डॉग हैड ट्रेस ऑन द क्लब प्रमाइस वर टर्न आउट क्या रूल आपको दिमाग में रखना है स्टूडेंट कि जब आपका एनिमल और ह्यूमन बींग दोनों साथ में इंट्रोड्यूस होते हैं ठीक है और अगर आपको तब उसको डिफाइन करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है तो आप कौन सी रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे दैट ठीक है ये रूल भी आप दिमाग में रखेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट वाट के बारे में सी वर्ड आपका थिंग्स के लिए यूज़ होता है ठीक है वर्ड आपका कई तरह से यूज़ हो सकता है एक्सक्लेमेशन की तरह भी हमने पढ़ा है वॉट अ फॉली ठीक है ना जब हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की बात कर रहे थे What अ फॉली सॉरी exclamation मार्क लगेगा What आपका interrogative सेंटेंसेस में भी यूज़ हो जाता है और what स्टूडेंट आपका जब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होता है तो वो प्रोनाउन कहलाता है ठीक है सो so, आपका ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज़ होता है और ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज़ हो जाता है डिफरेंस क्या है कि जब भी आपका सेंटेंस में वर्ड आएगा उसका एंटीसीडेंट नहीं होगा जो उसके आगे है वो छुपा हुआ होता है लेकिन ऐसा नहीं है वो होता नहीं है होता है लेकिन छुपा हुआ होता है ठीक है और ये किसके इक्वलेंट होता है दैट विच के या फिर द थिंग विच जैसे वॉट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंडियोर्ड तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे लगा दें दैट विच ठीक है दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंडियोर तो इसकी जगह हम क्या यूज कर लेते हैं वॉट ठीक है नेक्स्ट देखिए व्हाट मैन हैज़ डन मैन कैन डू जो मैन ने करा है ठीक है वो आद, जो वो मैन ही कर सकता है ठीक है जो मैन ने कर दिया है वो मैन ही कर सकता है इस सेंटेंस का मीनिंग कुछ ऐसा है ओके सो व्हाट मैन हैज़ डन अब इसके आगे कोई एंटीसीडेंट तो नहीं है लेकिन कहने का मतलब है किसी ने तो करा होगा ना व्हाट मैन हैज़ डन मैन कैन डू सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे what? ठीक है वॉट आई हैव रिटन आई हैव रिटन जो मैंने लिख दिया है मैंने लिख दिया है कुछ तो लिखा होगा ठीक है कुछ तो लिखा होगा तो एंटीसीडेंट नहीं है लेकिन थिंक ही हम बात करें कि जो मैंने लिख दिया है वो लिख दिया वॉट हैव रिटन आई हैव रिटन ओके नेक्स्ट देखिए ही फाउंड वॉट ही वॉज लुकिंग फॉर उसे वो मिल गया जिसे वो ढूंढ रहा था ही फाउंड ही वॉज़ लुकिंग फॉर ठीक है लेकिन हमें एंटीसीडेंट कोई थिंक नहीं मिली है ना आगे कोई एंटीसीडेंट नहीं है लेकिन कुछ तो उसने ढूंढा ही है ना ठीक है कुछ तो उसने ढूंढा ही है ना अगर यहाँ पर हो जाता ही फाउंड द रिंग तब हम यूज करते या फिर ठीक है लेकिन यहाँ पर antecedent present नहीं है लेकिन हम यूज थिंग के लिए ही करते हैं तो आप बोल सकते हैं ही फाउंड वॉट ही वॉज लुकिंग फॉर सो बेसिकली आपको क्या दिमाग में रखना है स्टूडेंट कि जो वर्ट है आपका थिंग्स के लिए यूज होता है ठीक है एंटीसीडेंट इनके एबसेंट होते हैं और आप इसको किसके इक्वल मांग सकते हैं दैट विच या फिर द थिंग विच जैसे व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योअर्ड सो बेसिकली ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड कहने का मतलब है कि जो प्रॉब्लम आप क्योर नहीं कर सकते उसके साथ तो रहना ही पड़ेगा ठीक है अब जिसका कोई चारा नहीं है उसे तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा आप इस तरह से इसे समझो तो वॉट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इनडोर्ड तो यहाँ पर हम किसी प्रॉब्लम की किसी थिंक की बात कर रहे हैं सो स्टूडेंट हम इसलिए यहाँ पर वॉट यूज़ करेंगे वाट मैन हैज़ डर्न मैन कैंडू यानी कि जो भी डिफ़िकल्ट काम एज आई टोल्ड यू मैन कर चुका है वो कोई और भी कर सकता है जो ऑलरेडी एक बार डिफ़िकल्ट वर्क हो चुका है उसे कोई और भी कर सकता है ठीक है सो वॉट मैन हैज़ डर्न मैन कैंडू अब उस मैन ने क्या करा है वो वही जानता है ठीक है ना वॉर आई हैव रिटन आई हैव रिटन जो मैंने लिख दिया मैंने लिख दिया आप ये नहीं बोलेंगे हु आई हैव रिटन ठीक है यहाँ पर हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं वॉर आई हैव रिटन आई हैव रिटन ही फाउंड वॉट ही वॉज़ लुकिंग फॉर अब वो किसी चीज़ को ढूंढ रहा होगा तो ही फाउंड वॉट ही वॉज़ लुकिंग फॉर दो एंटीसीडेंट स्टूडेंट बेसिकली आपका एबसेंट होता है लेकिन वहां पर हम किसी थिंग की ही बात कर रहे होते हैं ठीक है किसी थिंग की ही बात कर रहे होते हैं जो इक्वलेंट होता है दैट विच या फिर द थिंग विच के आप बोल सकते हैं दैट विच मैन हैज़ डन मैन कैन डू ओके दैट विच आई हैव रिटन आई हैव रिटन या फिर ही फाउंड दैट विच ही वॉज लुकिंग फॉर ठीक है ना तो वर्ड आपका थिंग के लिए यूज होता है सो कन्फ्यूज मत होना आई होप स्टूडेंट आपको सेशन पसंद आया होगा अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को भी सब्सक्राइब करना और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा Thank you so much.